साहिबगंज में आदिम जनजाति पहाड़िया को राशन नहीं मिल रहा है। पतना प्रखंड के डाकिया योजना का बुरा हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। साहिबगंज में डाकिया योजना फेल नजर आ रहा है। आदिम जनजातियों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है। पतना प्रखंड के केसरी पहाड़ पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों को पिछले दो महीने से राशन नहीं मिला है। 20 फरवरी को चावल मिला था, अभी तक कोई खबर नहीं मिला है। हम लोग का चावल का भी कुछ पता नहीं है, हम लोग का महीना भर नहीं देता है। इस महीना पार हो गया, दो महीना बाद, एक महीना बाद दे रहा है। डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों के घर तक अनाज पहुंचाना होता है, साथ ही अनाज देने के दौरान तस्वीर भी लेनी होती है जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। बावजूद पहाड़िया जनजाति के दो महीने में एक बार ही अनाज मिल रहा है, ऐसे में डीएसओ ने ऐसे डीलर पर कार्रवाई का भरोसा दिया है जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसको अब मंथली साइकिल हो गया, पहाड़िया हुआ या जनरल हो गया, जो भी लाभुक है, अब हर महीना का हर ही महीना अनाज मिलेगा, उसको दूसरा महीना नहीं ले जाना। अगर दूसरा महीना ले जाएगा तो डीलर का खाता से वो कट जाएगा। और दूसरी सिस्टम जो पहाड़िया के लिए जो बना है वो है कि वहाँ पर फोटो अपलोड करना है, पहाड़िया को देते समय जो फोटो होगा वो अपलोड करके सरकार का पोर्टल में जाएगा वो, इसलिए हर महीना उसको दे के फोटो भी साथ में अपलोड करके देना है। और जहाँ फोटो नहीं देंगे वो एमओ पे कार्रवाई होगा और अनाज कटेगा। जो डीलर है एमओ ही उसका डीलर होता है। कोई गरीब भूखा न रहे इससे लेकर सरकार मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन साहिबगंज के पतना में आदिम जनजातियों के चल रही डाकिया योजना में लूट मची है। कि यहाँ पे जो डोर स्टेप डिलीवरी है जो करना है वो नहीं, सही रूप से नहीं हो पा रहा है। और इन आदिम जनजाति को जो अनाज जो मिलना मिलने की जो समय सीमा है वो समय सीमा पर नहीं मिल पाती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन दिनेश के साथ सुधाकर गुप्ता, न्यूज 11 भारत, साहिबगंज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।